फ्रेंड्स, मैं एसके दुबे आप सभी का आपके चैनल एसके डी ओंकार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको योगेश जी के बारे में एक सक्सेस स्टोरी इनकी बताने वाला हूं कि इन्होंने किस तरीके से सालाना 50 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया, अचीव किया। सो इसके लिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। और अगर अभी आप नए हैं फ्रेंड्स हमारे चैनल पे, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, योगेश जोशी जी राजस्थान के जालौर जिले के निवासी हैं फ्रेंड्स। और इन्होंने फ्रेंड्स जीरा, सौंफ, धनिया, मेथी और कलौजी जैसे मसालों की खेती करते हैं फ्रेंड्स। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, 7 किसानों के साथ मिलकर उन्होंने 10 साल पहले खेती शुरू की थी। और फ्रेंड्स, आज उनके साथ 3000 से भी ज़्यादा किसान जुड़ चुके हैं। और फ्रेंड्स, अभी 4000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन पर वो खेती प्रेजेंट टाइम पर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं इनके इनकम आपको बताना चाहूँगा, सालाना 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनका टर्नओवर है। 35 साल के हैं योगेश जी। और इनका कहना है फ्रेंड्स कि घर के लोग नहीं चाहते थे कि मैं खेती करूं, वे चाहते थे कि पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करूं, बड़ा आदमी बनूं। एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन के बाद उनका कहना है कि मुझे इस फील्ड में सरकारी सर्विस के लिए प्रयास करना चाहिए। और उन्हें डर लगता था कि खेती में कुछ नहीं मिला तो फिर आगे उनका क्या होगा। लेकिन फ्रेंड्स, उनका इरादा जो था खेती करने का एकदम पक्का था, उन्होंने निश्चय कर लिया था। और कहते हैं फ्रेंड्स कि ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिप्लोमा भी किया है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इन्होंने 2009 में खेती करना शुरू किया था। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, खेती किसानी के बारे में योगेश जी को कोई ज़्यादा जानकारी नहीं था, अनुभव नहीं था। और ऐसे में फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सवाल ये था कि कौन सी फसल लगाएं ये। और काफ़ी रिसर्च किया इन्होंने, बाद में इन्होंने तय किया कि जीरे का खेती ये करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जीरा कैश क्रॉप है और फ्रेंड्स, इसे कभी भी आप बेच सकते हैं। और फ्रेंड्स, पहली बार एक एकड़ ज़मीन पर जीरे की खेती योगेश जी ने किया, तब फ्रेंड्स इनको सफलता नहीं मिली, इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। और इसके बाद फ्रेंड्स, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी फ्रेंड्स। और इन्हें अनुभव और सलाह ना होने के चलते शुरुआत में काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और इसलिए फ्रेंड्स, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण के शर्मा की इन्होंने मदद ली। और उन्होंने किसानों को गांव में आकर के ट्रेनिंग दी और बाद में ये लोग फिर से जीरा उगाया और उसमें फ्रेंड्स इनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी हुआ। और इसके बाद फ्रेंड्स, इन्होंने खेती का जो दायरा था वो बढ़ा दिया और साथ ही दूसरी फसलों की भी खेती को इन्होंने शुरू कर दिया। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, योगेश जी ने ऑनलाइन मार्केटिंग के जितने भी टूल्स होते हैं इन्होंने सारे स्टेप फॉलो किए। और इसके अलावा कई कंपनियों से इन्होंने संपर्क किया। फिलहाल वो कई देसी विदेशी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। और उन्होंने हैदराबाद की एक कंपनी के साथ फ्रेंड्स 400 टन किनोवा की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि समझौते पर खेती के लिए फ्रेंड्स तैयार किए। और इसके साथ ही उन्होंने एक जापानी कंपनी के साथ भी अपना एग्रीमेंट किया और उनके लिए जीरा उगाते थे और उनको सप्लाई करते थे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जापान से इनके प्रोडक्ट को बेहतर रिस्पॉन्स मिला, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स इनको जापान से देखने को मिला। और इन्होंने फ्रेंड्स अमेरिका में भी सप्लाई करना शुरू कर दिया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि योगेश जी बताते हैं कि ऑर्गेनिक खेती को बिजनेस का रूप देने के लिए इन्होंने रैपिड ऑर्गेनिक कंपनी बनाई, जिसके जरिए फ्रेंड्स इन्होंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसमें जोड़ा जाए और उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट दिलाया जा सके। और फ्रेंड्स, शुरुआत में किसान इनके साथ जुड़ने से बहुत ज़्यादा कतराते थे, लेकिन फ्रेंड्स आज के डेट में किसान खुद उत्सुक रहते हैं इनके साथ जुड़ने के लिए। ये इनकी फ्रेंड्स बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जो पिछले 5-7 वर्षों में एक समूह के माध्यम से 1000 किसान ऑर्गेनिक सर्टिफाइड भी हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, जोशी जी का कहना है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होने पर तो किसानों की उपज बेचने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, और जिन किसानों के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है फ्रेंड्स, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचने में। और फ्रेंड्स, कई किसान हैं जो ऑर्गेनिक खेती तो करते हैं लेकिन वे अपने प्रोडक्ट बेच नहीं पाते हैं। ऐसे में फ्रेंड्स, किसानों के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सुविधा है। इस सुविधा के तहत जिन किसानों के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है उनका भी फ्रेंड्स उपज खरीद लिया जाता है।
और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, योगेश जोशी जी अभी दो कंपनियों को प्रेजेंट टाइम में चला रहे हैं और एक के जरिए फ्रेंड्स वो किसानों को ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें खेती के बारे में पूरी डिटेल्स से उनको पूरी जानकारी देते हैं और जितनी भी हो सकती है उनको ज़रूरी मदद भी करते हैं। और वो उनके लिए फ्रेंड्स मेडिकल कैंप, एजुकेशनल कैंप और ट्रेनिंग कैंप भी बीच बीच में लगवाते रहते हैं जिससे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स उनकी दूसरी कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा जिसका काम है प्रोडक्शन और मार्केटिंग का। और फ्रेंड्स इनकी टीम में अभी 50 लोग काम कर रहे हैं और साथ में फ्रेंड्स योगेश जी की पत्नी भी उनके काम में पूरा सपोर्ट करती हैं और कंपनी में काफ़ी बड़ा रोल है फ्रेंड्स उनका, जो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। और महिला किसानों के लिए एक उन्होंने ग्रुप भी बनाया है और वो उन्हें ट्रेनिंग देती हैं फ्रेंड्स। और इसके साथ ही फ्रेंड्स वो यूट्यूब पर खाना बनाने की और तरह तरह की रेसिपीज को लेकर के भी वीडियोज वगैरह प्रोग्राम बनाती रहती हैं। और फ्रेंड्स योगेश जी का कहना है कि ऑर्गेनिक खेती में बेहतर करियर ऑप्शन है, जो भी इस फील्ड में काम करना चाहता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स 2 से 3 साल समय ज़रूर लगेगा। और अगर फ्रेंड्स वह समय यहाँ पे देते हैं किसान तो वो 101% कामयाब ज़रूर होंगे। और देश में फ्रेंड्स ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस फील्ड में शानदार काम करके काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा उठा रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, योगेश जी को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कई पुरस्कार सम्मान भी इनको मिल चुके हैं। सो फ्रेंड्स ये थी योगेश जोशी जी की सक्सेस स्टोरी। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।